हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों वाला सूजी का हलवा। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो सूजी का हलवा है ये दानेदार और टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। इस हलवे का जो टेस्ट है ये बिल्कुल मिठाई की तरह है। आप इसे मेहमानों के लिए दावत में बना सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले हमें यहाँ पर लगने वाले हैं ये ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर पिस्ता लिए हैं 20, और 20 पिस्ता को हमने स्लाइस में कट कर लिया है, 20 बादाम को हमने स्लाइस में कट कर लिया है और 20 काजू को भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, एक बर्तन लिया है, गैस की फ्लेम को ऑन किया है और हमें यहाँ पर लगने वाला है लिए 1/2 कप घी। हमने यहाँ पर प्योर घी का इस्तेमाल किया है। उसमें से हमने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है और उसमें हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है और लो फ्लेम पे हमें ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। काजू, पिस्ता, बादाम हमें इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है। फिर से 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे इसमें घी और लो फ्लेम पे ही हमें ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ही हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। ज़्यादा ड्राई फ्रूट को हमें गोल्डन होने तक फ्राई नहीं करना है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल लिया है और जो बचा हुआ घी है उसी घी में हम ये सारा घी ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर सारा घी ऐड करना है। 1/2 कप हमें यहाँ पर घी लगने वाला है। तो अब हमने फ्लेम को लो रखा है और लो फ्लेम पे हमें इस सूजी को भूनना है। हमने यहाँ पे बारीक वाला रवा लिया है, यानी बारीक वाला जो 0 नंबर वाला सूजी होता है उसी का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सूजी को हमें भूनना है। सूजी को हमें अच्छे से लो फ्लेम पे भूनना है। गोल्डन कलर होने तक हमें इसे भूनना है। इवनली कलर आने के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही भूनना होगा। सूजी को हमें लगातार इसी तरह चलाते रहना है। ज़्यादा हमें इसे डार्क गोल्डन कलर आने तक भूनना नहीं है, बस लाइट गोल्डन कलर होने तक ही हमें इसे भूनना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। देखिए, सूजी को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई किया है, भून लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए, सूजी को लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। हमने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। तो इसके साथ ही हम दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने और अब हम इसे भूनेंगे। लेकिन जब भी आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तब आपको ध्यान रखना होगा कि चीनी जो है ये तले में लगे नहीं, चिपके नहीं। ये झट से कैरमलाइज हो जाती है, चिपक जाती है। अगर आपका बर्तन तले में पतला होगा तो आपको ध्यान रखना होगा। 8 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। देखिए, हमने किसा अच्छे से इसे इवनली कलर आने तक भून लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। हमें यहाँ पे दूध लगने वाला है रूम टेम्परेचर वाला। सारा हमने 1 कप दूध इसमें डाल दिया है और अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने खोया लिया है, यानी कि मावा लिया है 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम मावा हमने लिया और उसे हमने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। तो अब हम मावा हम इसमें ऐड करेंगे और सारा मावा हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है, लो फ्लेम पर ही हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और भूनना है।
खोए को हमने अच्छे से देखिए इसमें मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, इसका हमें ध्यान रखना है और लो फ्लेम पे हमें इसे स्टर करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रख दिया था, आधा ड्राई फ्रूट हम ऐड करेंगे और आधा हम ऊपर से उसे गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। और अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना चलाएंगे और इतना हम इसे स्टर करेंगे तब तक कि ये पैन को छोड़े नहीं। इसी तरह हमें लो फ्लेम पे ही इसे स्टर करते रहना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया है और अभी हमें इसमें कुछ मॉइस्चर जो है ये बाकी है, ये हमें मॉइस्चर इसमें नहीं रखना है, इसलिए हमें इसे और थोड़ी देर तक स्टर करते रहना है इसी तरह ताकि हमारा जो ये घी है ये बाहर निकले। देखिए घी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है तो इसे हम और थोड़ी देर तक स्टर करेंगे। सूजी मावा का हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। शादियों वाला सूजी का हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है और हमने इसे सर्व किया है। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।